કારીગર જે ભી આવતા હે ને ભાઈ ઇજ્જતથી નોકરી કરો તમે લોકો કે આજે વીઆ છે કાલે બઠું છે બારમું છે એ તો કરવાનું જ છે આ મહા કરે પણ તમે કા આખી જિંદગી વીઆ મેં કુછ બતારના એમ મેં તો હમણે જ્યાં જઈએ ત્યાં દહમાં બારમાં વાળા તો મિલો જાણે પેટું સડે સડે કૂદે એટલે ભાઈ થોડુંક એવું રાખો કે એક થી ત્રીસ માં સેટ થાવ ત્રીસ પછી તમારે આખી જિંદગી જલસા કરવાના છે આપણે રાબડી સાંઠિયા આઠિયાની દાળ ફોટા પછી બાકડા પછી ભેદી કુંવાળિયાની ભાજી ફાંગની ભાજી એવું બધું સીઝન હમણાં હું ગોંધી નો મોર જણાય પણ મોકો જણાય કારણ કે ગોંધી નો મોર ખાવા વડોદરા થી ફોન આવવા માંડી આ ગોંધી એ સડવાનું પાડવાનું સોળવાનું કારણ કે આ રોટલા થી માંડીને બધું વસ્તુ અમે પહેલા બધા પીરસતા આપણને આજકાલના સોરા બધું ભૂલતા જાય પણ એ વસ્તુ લાવવું પડે કારણ કે આ બધું હતું તો ટકતરા પહેલા ડાયલા હોવા પડે ના તો જીવ રીતના આપણે અમને ત્રીસ વર્ષ દમ લઈ જઈએ રોટલા મેલવાનું ફોટા ખાવાનું સાંઠિયા મણાવવાનું તેથી બધું ઠીક આ બધું દેખવાય તો અહીં ઢાબે પહેલા આવજો પછી બીજે ખાવું પડે હા એક એક વખત લીન આ પેલું ફોકાવવાનું સોકા મખી ખરાબ હોય તે આ આંગણું બહારવાનો બહારવા કુણવું બહારવા આંગણું વાસણા ડગરા બાંધે તો પીસાલે ચાહીએ ક્યુકિ ઇસ ચીજ મેં જાના પડેગા ઇસ ચીજ કો પહેચાનના પડેગા ક્યુકિ કલ્ચર કો જો લોગ ભૂલ રહે ના વો પ્રકૃતિ સે ઓર યે હમારે કલ્ચર સે બહોત દૂર જા રહે ના શહેરો મેં ઉન લોગો કો ભી યે ચીજ કી જરૂરત હોને વાલી હૈ પોતાના સોરાના વિયા ખાય ને ફોટા વેસવા હી મોડે ને આ બધું આ વસ્તુ લીમડાના લાકડા મેથી બનાય રાખે આ તો અગરું લાયા કે પાસ વાર लापेश्वर और ये पहाड़ों में डुबरा फिर के लोग कैसे रहते हैं क्या जिंदगी होती है क्या खाते हैं रोड रास्ता कब बने क्या हुआ था सब कुछ एक्सप्लोर कराने वाले हैं तो ये एक म्यूजियम टाइप कैफे बना रहे हैं जहाँ से लोगों को सीखना भी मिले कुछ देखना भी मिले ओनली फॉर खाना बेचना हमारा मकसद नहीं है वो तो कहीं भी कमा लेंगे पैसा कमाने के लिए ये चीज नहीं बनाई है परेश भाई सही बोल रहा हूँ इनसे बोल रहा हूँ सारे दिन हो गया भाई काम में बिजी रहता है और इतना कुछ काम चल रहा है यहाँ बन रहा है और ये लोग बना रहे हैं लेकिन ये कुछ चीज आई है हमारे घर पे आज तो देखते हैं परेश भाई राजू भाई कैसा है बस बढ़िया बढ़िया तो ये लोग कुछ हमारे लिए लेके आए हैं पूरा अभी देखते हैं कैसा है भाई बढ़िया बस बढ़िया राजू भाई ना कुछ अपना खुद की ब्रांड है उन लोगों की ये क्या लिखा है भाई ट्राइबिस्ट ओ सुना लग रहा है ट्राइबिस्ट कुछ है लग रहा है अपने लिए आया है देखते हैं अभी फिलहाल काफी बड़ा कुछ सामान लेके आया है भाई लोग तो अभी देखते हैं और बांबू थीम का है ना हाँ आपके लिए पूरी बांबू प्रोडक्ट लाए हैं मतलब कि वो बम्बो में से बनाते हैं वो सब पूरा बांबू प्रोडक्ट क्या क्या आता है उसमें कुछ ज्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप कस्टमर को सर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं राइट ये जो है हाँ ये तो अपना देसी सुपड़ा है और ये प्रॉपर मतलब एक मिनट ये मतलब पैकिंग मतलब कि आपकी साइड है ना हाँ ये ट्राइबिस्ट हमारा ब्रांड नेम है tribist.in वो हमारी वेबसाइट है हाँ। गूगल पे अवेलेबल है ये सब चीज गूगल पे सिर्फ ट्राइबिस्ट लिख के ढूंढोगे ये हाँ? तो सारी लिंक आ जाएगी क्या लिखना है ट्राइबिस्ट देख लो भाई पूरा देख लो BIST अंदर क्या है वो बताने वाला हूँ पूरा एक सरप्राइज है हमारे लिए तो राजू भाई के लिए थैंक यू सो मच पहली चीज तो और ऐसा है तो प्राइस जो है वो भी दे देंगे भाई लेकिन ऐसी चीज की हमारे वुडन के हिसाब से जरूरत थी परेश भाई क्या बोले विशु वो बल्ब वाली लाइट जलाना कम वाली ये सब अपने ट्राइबिस्ट की सब प्रोडक्ट है हाँ। तो हम यूज करते हैं घर पे और जो भी लोग सिटी में जो रहते हैं हमारे लोग वो भी इसका यूज कर सकते हैं मीशो पे फ्लिपकार्ट पे अमेजोन सब साइट पे आपको मिल जाएगी ठीक है राजू भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब चीज अपने खाने में रोटली पीरसने में सब्जी लेने में या कुछ फ्रूट रखने में सब चलेगा तो एक चीज है भाई कि ये पूरा बाम्बू का है ना तो बता दो मुझे खोल के एक बता दो राजू भाई जो अच्छी चीज है अरे आप ही अनबॉक्स करो यार मेरे आपके कस्टमर को सर्व करने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज है यहाँ पे ना मैं पूरा अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और ये पैकिंग भाई अपना खुद का है ये जो अमेजोन मीशो पे पार्सल करते हैं अमेजोन मीशो पे भी अवेलेबल है अमेजोन मीशो और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल तीनों साइट पे देखो भाई वेबसाइट पे भी वेबसाइट है tribist.com.in tribist.in ठीक है राजू भाई राठवा और आपका प्रिय नाम दिव्यस राठवा भाई देखो अपने ट्राइब के लोग हैं अपने लोग अपने कम्युनिटी के लोग ये सब चीज को लेके आगे जा रहे हैं यानी कि धंधा बिजनेस होता है लेकिन अपने मतलब के गुजराती में कम तम आपने लागतू वड़कतू वस्तु नो धंधो बिजनेस करे ने मानस भाई बहुत यूनिक होय छे तो जोईए छे हवे ट्राइबिस्ट ની અંદર આપણા તરફ આપણા ઢાબામાં વપરાય ઓહો હો જોરદાર છે ભાઈ તો ફિલહાલ યે સબ ચીઝ આઈ હે ઓહો વેરી ગુડ ये है बाम्बू ट्रे इसमें रोटली आराम से दे सकता हूँ रोटली के ऊपर ढक भी सकते हैं और ये हर चीज के लिए यूज हो सकता है ये ट्रे है उसके अंदर मैं वो पेपर रख के मंचूरियन दे दूं तो भी चलेगा मंचूरियन हेबरा दे दूं तो भी चलेगा आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके जा रहे हो तो भी चलेगा चटनी वटनी लगा दो सब चलेगा तो भाई देखिए भाई ये सब चीज राजू भाई ने हमारे लिए ढाबे पे है तो tribist.com पे इसका मेरे हिसाब से लोगो तो नहीं है लेकिन कुछ जुगाड़ करेंगे
किसी को भी चाहिए, कलर में भी है, येलो कलर, नॉर्मल कलर, तो आप देख सकते हो। और उनकी वेबसाइट भी है, और दूसरी बात है कि फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन सब चीज जिसको होलसेल में ज्यादा क्वांटिटी चाहिए मिल जाएगा ना। तो जो बाहर से बंदे देखो उसको तोड़ो फोड़ो मरड़ो कुछ नहीं होगा, प्लास्टिक का कांच का होगा टूट जाएगा। तो ये सब सबसे अच्छी और ज्यादा मुझे पसंद आई। और बहुत सारी चीजें और एक दिखाता हूँ आपको, ये जो है रोटी और बड़ा रोटला हो गया, पराठा वगैरह उसके लिए। चलो इसका भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो भाई ढाबा का ओपनिंग है, आप आ जाना भाई 25 तारीख को। तो 25 तारीख को ये सब चीज दिखने मिलेगी आप सबको। ये बवाल सिस्टम ला दिया भाई, क्या इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं भाई, शो के लिए भी रख सकते हैं, खाने के लिए। लेकिन ज्यादातर आदिवासी लोग ही बनाते हैं ये चीज, अपने पेड़ पौधों में से सब चीज इकट्ठा करके कलर भी यहाँ से निकालते हैं और वास में से ये चीज बनाते हैं और उसके हिसाब से अपने घर में खाना रखते हैं। तो इनका आयुष्य भी लंबा है भाई प्लास्टिक से और कांच से, क्या बोले भाई। और इसको आप तो कुछ भी करो कुछ नहीं होगा, आराम से सही चीज भी धो भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल आराम से। और के लिए पर्सनल है। ओह ये भाई ये बवाल चीज हो, ये सर्च करो सब कुछ मिल जाएगा। चलो भाई बाल बाल सेट करना है किसी को, थोड़ा थोड़ा ज्यादा है कंची, लेकिन कम बाल वालों के लिए अच्छा है, ज्यादा बाल वालों के नाये नहीं थोड़े नहीं इसके लिए थोड़ा अच्छा है। लेकिन मंगा लेना भाई जो चीज चाहिए वो। ये नीम का मतलब नीम का जो लकड़ा है ना, नीम उससे ये बना है, लिमड़ा नु लिमड़ा ना लाकड़ा में बनाए रखे। आ तो अगरू लाया के पास हुआ नऊ से और कुछ सारी चीजें। ओ माय गॉड ये देखो डाली अपना आगे दातियां वापस निकाल ये ठाड़ी के लिए आपके लिए। ओह चलो भाई बियर्ड से क्या क्या बनाया है भाई, बहुत ही बढ़िया। और ये पैकिंग सब अलावा ये टंक क्लीनर मतलब ये बाबू का टंक क्लीनर ऑयल लियो दातोण करीने आ ऑयल काटवान ले देखो मधु वस्तु ये ऑर्गेनिक आई है सर ऑर्गेनिक। बहुत सारी चीजें भाई बहुत सारी चीजें कोई नहीं, बहुत ही बढ़िया है कॉन्सेप्ट आप लोगों का। तो सारी आइटम लाए हैं भाई ने, तो भाई यहाँ आना देखना है तो, और ऐसा है तो आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा साइट से लेके अमेजोन फ्लिपकार्ट तक। और ये डिलीवरी हो जाएगी दातोण ब्रश कोलगेट में देसी कहीं ले ले बधु से देखो भाई बधु वस्तु मिल जाए भाई। tribeast.in सर्च करो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी भाई। और कुछ और चीज है वो भी दिखा देता हूँ भाई, ये पैकिंग करके ही जाता होगा ना। हाँ, पूरा पैकिंग सब कस्टमर को, और कस्टमर को क्या बोले रिटर्न करना हो कुछ चीज हो गया खराब निकली वो सब रिटर्न पॉलिसी है 100% कैश रिफंड हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा ना। ठीक है भाई सब पॉलिसी पसंद नहीं आता है छोटी बास्केट है रिटर्न कर सकते हो। ये देखो भाई ये साइज की इसमें ना वो करेंगे भाई ड्राई फ्रूट रखते मंगो बिंगो क्या हो गई हमारे अभी राजामला गोरसामला फरी फरी मेल देखो देखो भाई सारी चीजें भाई। तो राजू भाई थैंक यू सो मच पहली चीज, और आप लोगों ने ये सब एफर्ट लगा के सब कलेक्ट करके एक बिजनेस की शुरुआत की है तो बहुत ही बढ़िया है। तो अपने शॉप पे अपने ढाबे पे अपने रेस्टोरेंट अपने जोहार बॉक्स पे सारी चीज दिखने मिल जाएगी। तो जिसको भी मंगाना है ऑर्डर करना है तो मैं नंबर भी दे दूंगा भाई आपका, जो भी अपने साइट से रिलेटेड हो उसका नंबर दे दूंगा, साइट की लिंक दे दूंगा, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे सब कुछ दे दूंगा। तो एक बार विजिट करो भाई जिसको ये सब चीज़ चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में जाना पड़ेगा, इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि कल्चर को जो लोग भूल रहे हैं ना वो प्रकृति से और ये हमारे कल्चर से बहुत दूर जा रहे हैं ना शहरों में, उन लोगों को भी ये चीज़ की ज़रूरत होने वाली है। बोताना सोराना विया खैरन तो छोटा वैसवा ही मोड़े ने बुधवार वस्तु। ओहो हो चलो बंदी सिस्टम जो भाई पैकिंग बहुत बहुत बढ़िया भाई। देखो इसको थोड़ा संभाल के भाई सीली बिली कुछ ना गई आंगणू बाहर वाणो बाहरो कूणमू बाहर वा आंगणू अब आसला डगरा बांधे तई भी साले આપેલું હોકા વાનું સોકા મખી ખરાબ હોય તે એટલે આ સિસ્ટમ બધી છે ને આ ભાઈ બધા ફૂલતા જઈ રહ્યા ને એ વસ્તુ ને આ લોકો લઈને જઈ રહ્યા છે આગળ તો લાવી રહ્યા ભારે કામ તો લઈને આવી રહ્યા છે ગાડી ભરી ઢાબે પેલા આવજો પછી બીજે ખાવું પડે હા એક એક વખત ક્લીન। देखो भाई वेरी गुड ये चीज बहुत बढ़िया मुझे लगी। उसके कितने कितने ऑर्डर कर चुका तो कितना स्टार्ट हुआ ये वर्क का टाइम 2000 से ऊपर का ऑर्डर कर दिया मंथली 300 to 500 ऑर्डर अभी आ रहा है। बहुत ही बढ़िया भाई
बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देखो। मीशो पे हमारे 500 प्लस रिव्यू हो चुके हैं। ऐसे 500 प्लस रिव्यू मीशो पे हो चुके हैं। ऐसा है चलो बहुत ही बढ़िया। पर आप कोई करूँ पड़े आया बदू कर ना फिर। अरे हम भी कर रहे हैं ना। चलो बहुत ही बढ़िया यार। सारी चीज है, कोई चीज बाकी नहीं है। तो मैं सबको बोल रहा हूँ tribebeast.in एक ऐसी साइट है जहाँ हमारे कल्चर के रिलेटेड रोटला मिलवानू, छोटा खालवानू, साइंटिया बनावानू, तेरी बात दो ठीकरानू कोई नहीं के ठीकरानू से मजे नहीं सारे ठीकरानू भी धीरे कर दो इतने रोटला कोई ना बाहर मिला तवा में खाई खाई थाकी रह गैस। चलो सारी चीज देख लो भाई और मैं आपको बता दूंगा और अपने ब्लॉग में भी आ जाएगी डिटेल्स। जिसको भी जो भी मंगाना है राजू भाई का कांटेक्ट करिए tribebeast.in। मतलब कि अभी गूगल हो गया, गूगल हो गया, इमली हो गई, गूगल गूगल नो सीख, गूगल नो सीख, પછી થોરિયાનો નહીં ગૂગલ નો, પછી આમલી, પછી ચણોટી, ચણોટી આ હા 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 એ ચણોટી લાલ કાડિયો જો ઇધર જો મિલતા હે ના ઇધર ઇસકા કોઈ વેલ્યુ નહીં હે નહીં હે ભાઈ નહીં હે खाटला चाहिए था दूरी वाला तो वो बंदे ने ऑर्डर किया एमेजोन से तो 51,000 में खाटलो दूरी नो घरेलू से लाकड़ा साण गाय नु गोबर अहीं साणा करी ने ए भी वेचाय तो आ जे शुरुआत करी छे ने बहु खतरनाक शुरुआत छे तो आपणे आ लोको ने सपोर्ट करवो जोईए। तो भाई ये सब चीज हो रही है तो अच्छा लग रहा है। सारे बंदे आ रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं और ये सब चीज को जरूरत है अपने वहाँ। क्या बोले परेश भाई? कारण क्या रोटला थी मांडी बड़ी वस्तु आमने पहला बता पीरस पहला अपन आजकल ना सोरा बधु भूलता जाए पर ये वस्तु लावल पड़े हैं। कारण के आ बधु हतु तो टकतरा पहला डायला हो बरे ना तो जीव रेतरा आपने हमने 30 वर्ष है दम लाई थी तो वो हारी चीज थी। और आजकल के युवा पीढ़ी जो अपने लोग है ना अपने ट्राइब लोग जो अपने आदिवासी लोग जो बिजनेस में और ऐसी चीजों में कम पड़ रहे तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई नौकरी तो है ही, नौकरी ये भाई भी कर रहा है वो भाई भी कर रहा होगा लेकिन साथ में ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इन चीजों की जरूरत है, हमें इसमें पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात की प्रकृति की चीज लेके ये लोग चल रहे ना तो ये लोग बहुत आगे जाएंगे। तो सोचो आप पूरे दिन ऐसे बैठ के टाइम फालतू में वेस्ट मत करो कि मेरा जॉब है 20,000-50,000 कमा रहा हूँ। वो तो कमा रहे, वो तो कमाना ही है लेकिन साथ में कुछ भाई यूनिक तो करो भाई। साण भी तो विषय करते रहो तो वेसवा मंडी एटले कहू छू के तमारी आजूबाजू भी घनी वस्तु छे जे तमे जोईने करी शको। कारण के तमारा में इंटरेस्ट है, नॉलेज है तो मड़ो टीम वर्क करे बहु हारू वस्तु छे। क्यों बने बराबर परेश भाई भी केटला बिजनेस नो ट्राई करी चुके छे पूछी लो ने केवा केवा मशीन लीना आवे छे। हां क्यों घणा बधा मशीनो अने आजे आपला देसी सर सर डायमंड फेक्टरी खुदनी ब्रांड जाते मैन्युफैक्चर करवानो जातनो कापड़ जाते बटन बेहाड़वानो जाते हीवानो अने कापड़ बजार में आलवानो आपणो शर्ट आपणो मटेरियल आपणो बधा छोटादीपुर जिल्ला में डिस्ट्रीब्यूटर करे छे परेश भाई राठवा મેં જોયું છે અને ભાઈ બહુ મહેનત કરે છે ગમે ત્યાંથી ગમે તેવા મશીન મોકલાય પણ કારીગરો નાહી જાય છે અમારે શું કે ભાઈ એટલે કારીગર જે બી આવતા હોય ને ભાઈ ઇજ્જતથી નોકરી કરો તમે લોકો કે આજે વીઆ છે કાલે બઠું છે બારમું છે એ તો કરવાનું જ છે અજમહા કરે પણ તમું કાં આખી જિંદગી વીઆ મેં કુછ બતાર ના એમ મેં કહું હમણાં જ્યાં જઈએ ત્યાં 10માં 12માં વાળા તો મિલો જાણે પેટ ઉછળે છે કૂદે એટલે ભાઈ થોડુંક એવું રાખો કે 1-30માં સેટ થાવ 30 પછી તમારે આખી જિંદગી જલસા કરવાના છે બરાબર છે પછી 18-19 ની ઉંમર દવા પીને મરી જાય અશ્વાને ટેન્શન મેં ખાલી ગાડીઓ ની ઠોકાય આ ખોટું વસ્તુ છે આપણા બ્લોગમાં બી જે પબ્લિક જોઈ રહીને કહું છું 1-18 વર્ષના છોરા છે 1-20 વર્ષના છે ગમે તેમાં આ રોડ પર મેં 20 દિવસથી અહીંયા કામ કરું છું ગાડી એટલી ખરાબ ચાલે છે ઘોડીના દિવસો હાંભાઈ રહે છે પીધેલ પાર્ટી હોય હાંભામાં ઠોકાય કોઈના માથા ફૂટી જાય પગ છૂટી જાય તમે તો હાહરા મરી જાઓ પણ ઘોર બહાને અશ્વાને દેવું કરે જાવ એનું હું એટલે કહું છું જે દારૂ પીને કે ગમે તેમ ગાડીઓ ચલાવે આપણી ઓડિયન્સને ખાસ કહું છું કમાન્ડ પોલીસ સ્ટેશન ભી હવે થોડા સમયની અંદર લાયસન્સ આરસી પીયુસી ચેક કરશે તમારા લીધે બધાનું આ બધું થાય છે આ વસ્તુના લીધે થોડું ધ્યાન રાખીને ગાડી ચલાવો પછી યુવાન પાર્ટી થોડું આવા બિઝનેસમાં પડો મોટા માણસને પૂછો કે ભાઈ હું છે કઈ રીતે શરૂઆત કરી આઈડિયા આપશે રાજુભાઈ હું કેવું કોઈ ભી માણસ કોઈને પણ ગાઈડન્સ હા એમ તમે બીજી રીતે ભી શરૂઆત કરી શકો પરેશભાઈ હું કેવું જે દેશી ઢાબા કે આપણી શું કહેવાય સંસ્કૃતિ કદાચ બધા કદાચ ખાવાનું ભી કદાચ ભૂલી ગયા છે પંજાબી મેં એમ જ જતા રહેલા આપણે રાબડી સાંઠિયા અડજરની દાળ ફોટા પછી બાખડા પછી ભેદી કુંવાળિયાની ભાજી ફાંગની ભાજી એવું બધું સીઝન હમણાં હું ગોંદીનો મોર જણે પણ મોકો જણે કારણ કે ગોંદીનો મોર ખાવા વડોદરાથી ફોન આવવા માંડી આ ગોંદીએ સડવાનું પાળવાનું સોળવાનું સાફ કરવાનું બાફીને રાંધવાનું
કેવું બરાબર રાજુ તેલ બેલ ઓછું નાખવાનું પાછું રોટલા જોડે જોડે હવે રોટલી બોટલી ગોંધી ના મરવે જોડે નહીં એનું અલગ મેનુ છે તો એક બાર કમાટા હે તો યહાં વિઝિટ કરના ઓર ઇસકા ફીડબેક દેના હમ ગૂગલ સે લેકે ઇન્સ્ટાગ્રામ સે સભી જગહ પે મેપ ડાલ દિયા ઉનકી એક સાઇટ હે ઓર આગે કા કેમ્પિંગ હે ભાઈ હમારી એક પૂરી ટીમ હે જો એડવેન્ચર કા એડવેન્ચર પે હમને ફોકસ કિયા હે તો સમથિંગ વો સસ્પેન્સ હે લેકિન યે ઢાબા કો રિલેટેડ યહાં ખાના પીરસના ખાના ખિલાને કી બાત નહીં હે ये उसका पूरा ये हमारा खेती है उसके अंदर रूमों से रहने से लेके आउट ऑफ गुजरात के स्टेट के लोग हैं उनको हम यहाँ टूरिस्ट गाइड करने वाले हैं और छोटाउदेपुर की प्रकृति है जो जल जंगल जमीन है और यहाँ के लोगों की जो रहनी कहनी है उसको लेके एक हम टूरिस्ट बनाने वाले हैं प्लानिंग के 20 तारीख से लेके इतने बार कैंपिंग चलेगा इतने लोग का होगा यहाँ से ये जगह घुमाएंगे रानी काजल कुरखेड़ा हापेश्वर और ये सब पहाड़ों में डुंगरा फिर के लोग कैसे रहते हैं क्या जिंदगी होती है क्या खाते हैं रोड रास्ता कब बने क्या हुआ सब कुछ एक्सप्लोर कराने वाले हैं तो ये एक म्यूजियम टाइप कैफे बना रहे हैं जहाँ से लोगों को सीखना भी मिले कुछ देखना भी मिले ओनली फॉर खाना बेचना हमारा मकसद नहीं है वो तो कहीं भी कमा लेंगे पैसा कमाने के लिए ये चीज नहीं बनाई है परेश भाई सही बोल रहा हूँ इनसे बोल रहा हूँ हमने दो बंदे आए थे यहाँ कपास था फेब्रुवरी के 28 तारीख को तो मार्च की पहली बार को ये पेड़ के नीचे बैठ के हमने सोचा कि भाई 2-3 लाख सेविंग का पड़ा है कुछ करते है तो कपास उखड़ना पड़ेगा उखड़ा बम्बर ढूंढने निकले सब बंदे मेरे बंदे यहाँ 30-30 लोग मेरे फ्रेंड लोग आके काम करते हैं मजदूर तो लोग होते हैं उनको मजदूरी देता हूँ तो 2-3 लाख का मेरा ड्रीम था कि 2-3 लाख में भी कुछ बनाऊँ लेकिन ये 15 लाख में डाल दिया क्योंकि यहाँ लाइट कनेक्शन लेके पानी से लेके बहुत ज्यादा खर्चा हो गया परेश भाई सीमेंट से लेके बहुत चला गया तो मैंने बोला कि एक बार प्रॉपर बनाना है अब गांव के लोगों को नहीं दिखाना अब दुनिया के लोगों को दिखाना तो सोचा है मैंने कि अपना ओपनिंग तो होएगा ही लेकिन ये चीज को ना अपने एक दिन ऐसे हाईलाइट करनी कि पूरे देश के अंदर इसके बारे में नहीं लेकिन हमारे कल्चर के बारे में ये म्यूजियम टाइप कैफे के बारे में चर्चा होगा ऐसा प्लानिंग है तो वो पूरा देखेंगे बात बहुत सारी करनी है को बैठना पड़ेगा ठीक है थैंक यू सो मच और भूलना मत tribeist.in गूगल पे अमेजोन पे मैसो पे फ्लिपकार्ट पे और डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो और मैसेज मेल करके साइज बड़ी छोटी सब कुछ ऑल इंडिया डिलीवरी ठीक है।